क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेंट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2024? वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वर्तमान जीडीपी विकास दर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 8.2%. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया? भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी? भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कौन सा सेक्टर सबसे अधिक योगदान देता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया फॉर 2024? 2024 के लिए भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3.5%. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया? भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2011 and 12। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? कौन सा संगठन भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट टारगेट फॉर इंडिया इन द 2024 बजट? 2024 के बजट में भारत के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4.9% ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? भारत में शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SEBI। SEBI फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द टर्म रिपो रेट मीन? रिपो दर शब्द का क्या अर्थ है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द रेट एट व्हिच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। रिपो दर शब्द से तात्पर्य उस बाजार दर से है जिस पर कोई केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देना। रिपो शब्द का अर्थ है पुनर्खरीद विकल्प और केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को रिपो दर के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन एम ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टैक्स वाज रिप्लेस्ड बाय GST इन इंडिया? भारत में GST द्वारा किस कर को प्रतिस्थापित किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉरेन करेंसी एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति को कौन सा संगठन निर्धारित करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग क्षेत्र में CRR का अर्थ क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इंडेक्स मेजर्स द इंडस्ट्रियल आउटपुट इन इंडिया। कौन सा सूचकांक भारत में औद्योगिक उत्पादन को मापता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सेक्टर इज टारगेटेड बाय द आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य कौन सा क्षेत्र है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर 2024। 2024 के लिए भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 9.2%। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2024। 2024 में किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉज प्राइवेटाइज्ड फर्स्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का निजीकरण किया गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। भारत में प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का माप है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इंडियन इकोनॉमिक्स टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमर्त्या सेन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच स्कीम इज एम्ड एट डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2024। किस योजना का उद्देश्य 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डस एनपीआई स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीआई का क्या अर्थ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेंट बेस इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई इन 2024। 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान आधार पीएस दर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6.5%। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कमिटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से कौन सी समिति जुड़ी हुई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नरसिम्हन कमिटी।